दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो जा रही है। तो शुरुआत सवेरे 10 बजे होगी। अमृतसर तो इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। अयोध्या तो दरअसल पीएम मोदी इस ट्रेन की शुरुआत करेंगे। साथ ही गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित रहेंगे मौजूद, जो इस ट्रेन हरी झंडी दी जाएगी। काबिले गौर है कि केंद्र मंत्री सोम प्रकाश के एमपी गुरजीत औजला भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली तो अमृतसर विचाले 5 स्टेशनों से आ ट्रेन जो है वो रुकेगी। तो दस के अंबाला, लुधियाना, फगवाड़ा, जलंधर से ब्यास आ ट्रेन रुकेगी। तो सारी ही थावां ते दो दो मिनट ठहराव इस ट्रेन का होगा। वड्डी सौगात मिलन जा रही है। दस के सवेरे 10 बजे अमृतसर तो इस ट्रेन नू रवाना किया जाएगा। अयोध्या तो पीएम नरेंद्र मोदी खुद इसकी शुरुआत करेंगे। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित भी मौजूद रहेंगे। ते पंजाब ट्रेन मिलन जा रही है। दस दिए कि जो कनेक्टिविटी है अमृतसर से दिल्ली के विचाले होर वधेगी। डिस्टेंस घट होगा क्योंकि फास्टेस्ट ट्रेन है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित मौजूद रहेंगे। केंद्र मंत्री सोम प्रकाश ते एमपी गुरजीत औजला भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली तो अमृतसर विचाले 5 स्टेशनों से आ ट्रेन रुकेगी। इस नाल ही दस दिए कि अंबाला, लुधियाना, फगवाड़ा, जलंधर ते ब्यास आ ट्रेन रुकेगी। सारी थावां ते दो दो मिनट इसका स्टॉपेज होगा। एक यूट्यूबर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा है राम रहीम। दस के शाम मीरा सिंह नू दिल्ली हाईकोर्ट के वलों नोटिस जारी किया गया है। शाम मीरा सिंह वालों अपलोड की गई वीडियो हटाने की मांग की गई थी। काबिले गौर है कि मामले दे अज सुनवाई होगी। हालांकि इस तो पहला शाम मीरा सिंह नू वीडियो हटाने लिए कहा गया सीगा, ते जिस तो वो इनकार कर चुके हैं। दस दिए कि 17 दिसंबर नू आ वीडियो अपलोड की गई थी। गुरमीत राम रहीम नू लेके आ वीडियो बनाई गई थी। राम रहीम दे अपराधा नू लेके आ वीडियो बनाई गई है। दस दिए गुरमीत राम रहीम दे वकील ने कहा है कि वीडियो राम रहीम दे अक्स नू खराब करने वाली है, ते आपत्तिजनक है, ते अपमानजनक है, जिस नू लेके हुण एक यूट्यूबर दे खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा है राम रहीम। दस दिए जो राम रहीम है दो साधवियां दे रेप ते हत्या दे एक हत्या दे केस दे हेठ रोहतक दी सुनारिया जेल च बंद है। हालांकि कई बार परलो ते परोल ते बाहर भी आ चुकिया है। ते एक यूट्यूबर दे खिलाफ हुण हाईकोर्ट दा रुख कीता है। राम रहीम ने शाम मीरा सिंह नू दिल्ली हाईकोर्ट दे वलों नोटिस जारी किया गया। खब्बे पासे तस्वीर तुहानू विखा रहे जिस दे विचाले शाम मीरा सिंह वालों अपलोड की गई सी वीडियो। 17 दिसंबर नू आ वीडियो अपलोड की गई सी। अपील की गई है कि उस वीडियो नू हटाया जाए, जिस नू लेके हुण हाईकोर्ट दे वलों शाम मीरा सिंह नू नोटिस जारी किया गया। एक यूट्यूबर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे है राम रहीम। शाम मीरा सिंह नू दिल्ली हाईकोर्ट के वलों नोटिस जारी किया गया। शाम मीरा सिंह वालों अपलोड की गई सी वीडियो। 17 दिसंबर नू आ वीडियो अपलोड की गई सी। पूरे मामले की सुनवाई अज होगी। दस दिए कि इस तो पहला शाम मीरा सिंह नू वीडियो हटाने लिए कहा गया सीगा, जिस तो उसने इनकार कर दिता सीगा। ते राम रहीम इस पूरे मामले नू लेके हाईकोर्ट पहुंचता है। हुण दिल्ली हाईकोर्ट के वलों शाम मीरा सिंह नू नोटिस जारी किया जाता है। दस दिए कि अज इस पूरे मामले की सुनवाई है। गुरमीत राम रहीम नू लेके आ वीडियो बनाई गई सी, अपलोड की गई सी। 17 दिसंबर नू आ वीडियो अपलोड की गई है। ते दस दिए कि राम रहीम दे वकील का कहना है कि आ वीडियो अपमानजनक है, ते इस नू हटाया जाए, पर हटाया नहीं गया। हुण इस पूरे मामले नू लेके राम रहीम ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। एक यूट्यूबर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा है राम रहीम। काबिले गौर है कि दो साधवियां दे रेप दे हत्या दे एक हत्या दे दोष हेठ रोहतक दी सुनारिया जेल च बंद है राम रहीम। ते हुण एक यूट्यूबर के खिलाफ हाईकोर्ट दा रुख किया गया है राम रहीम दे वलों। मेरा मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज फोन लाइन ते मौजूद है। अमन, एक यूट्यूबर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे है राम रहीम। इल्जाम ने कि इस यूट्यूबर दे वलों एक वीडियो अपलोड की गई सी, जानना चाहूंगे कि कुछ अहम है इस वीडियो च, कि कंटेंट की है इस वीडियो च। देखो सरबजोत, जो यूट्यूबर है श्याम मीरा सिंह, वैसे एक यंग एज का मुंडा है, जिस तरीके इनोवेशन के जरिए एक स्टार्टअप होंगे, उवें यूट्यूबर के वलों जिहड़ा है वह राम रहीम से वीडियो बनाई गई है। और उस कंटेंट जे गल की जाए तो कंटेंट यह सीगा, जो कैप्शन सीगी कि हाओ राम रहीम मेड हिज फॉलोअर्स अ फूल, मतलब कि वह किवें अपने जिहड़े उहदे अनुयायी ने फॉलो करने वाले ने उन्हों का बेवकूफ किवें बनाता है। और यह जो यूट्यूबर, क्योंकि इसके खिलाफ नोटिस जारी करवाया गया है राम रहीम वालों, दिल्ली हाईकोर्ट मूव किया गया और उत्थे जाके आपत्ति दर्ज करवा के
अपनी तमाम चीजा जो है रिजर्वेशन दर्ज करा के शाम मीरा सिंह जो नौजवान है जो यूट्यूबर है उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाके जो कंप्लेट है जी एक तरीके दे नाल, शिकायत है हाईकोर्ट जरिए और राम रहीम वालों की गई है। और ये श्याम मीरा सिंह जो यूट्यूबर है ये बेसिकली दिल्ली तो है और दिल्ली इस तो पहला IIMC तो जर्नलिज्म पढ़िया हुआ है। इस तो बाद इन्हें खुद अपना एक यूट्यूबर बन के यूट्यूब जी शुरू की थी और ये एक पहली वीडियो नहीं है श्याम मीरा सिंह की। इस तो पहला कई ट्वीट या कई यूट्यूब से वीडियो अजिहे ने जो सेंटर सरकार या प्रोमिनेंट बंदियां दे इस तरीके दे नाल बड़ी कंट्रोवर्शियल ने। तां इह पर राम रहीम दे नाल जुड़िया होया मामला है तो राम रहीम वालों हाईकोर्ट का रुख करके केस किया गया सू किया गया और हाईकोर्ट वालों कल शुक्रवार दे दिन नोटिस जारी किया गया श्याम मीरा सिंह नूं और तमाम चीजों का कोर्ट वालों जिक्र किया गया है कि 17 दिसंबर में जिवें वीडियो अपलोड की गई सी और तमाम चीजों नूं लैके राम रहीम दियां जो राम रहीम नाल जुड़िया हुई ने उसनू इस श्याम मीरा सिंह यूट्यूबर वालों कहा गया है। और सब तो वड्डी गल है कि जो चीज़ें यूट्यूब से कोई भी क्लेम करता है यूट्यूबर तो उन्होंने किन्ने फैक्ट्स होंगे ने वो इस केस जरिए जरूर उसके सवाल खड़े होंगे ने। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन सानू तमाम जानकारी देने लिए ते यूट्यूबर के खिलाफ राम रहीम दे वालों हाईकोर्ट का रुख किया गया है। दस दिए कि एक जो है वीडियो अपलोड की गई थी जिस तक मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे उस जो वीडियो च कंटेंट है इसके विचाले जिक्र किया गया कि हाउ राम रहीम मेड अ फूल ऑफ हिज फॉलोअर्स से इस बाबत आ पूरा कंटेंट है ते जिसको लेके आपत्ति जाहिर की गई है राम रहीम दे वालों राम रहीम दे वकील दे वालों हाईकोर्ट का रुख किया गया है। इस विचाले कल नोटिस जारी किया गया सीगा ते हुण इस पूरे मामले नूं लेके अज इस पूरे केस की सुनवाई हो जा रही है। हुण गल करांगे साबका कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल सिंह भोआ की। साबका कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल सिंह भोआ नूं गिरफ्तार किया गया है। दस दिए पठानकोट जोगिंदर पाल सिंह भोआ की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल सरकारी काम च रुकावट पाउण दे इल्जाम हेठ गिरफ्तारी की गई है। नाजायज माइनिंग रोकण ते आई सी एक टीम जिस नाल बदसलूकी की गई नाजायज माइनिंग की शिकायत की जांच करन दरअसल आ टीम पहुंची सी। जोगिंदर सिंह पाल भोआ के करीबिया के नाते दे आ जो क्रशर साइट है रजिस्टर्ड है। दस दिए कि मौके से एक पोकलेन मशीन से टिप्पर भी रिकवर किया गया। तो माइनिंग ऑफिसर के नाल विवाद तो बाद आ गिरफ्तारी हुई है। कल शाम दी तस्वीर तुहानू विखा रहे जोगिंदर पाल सिंह भोआ 2017 च भोआ तो विधायक बने सके चोन जीती सी हालांकि 2022 च चोन हार गए थे। इस विचाले हुण इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है। इल्जाम ने कि नाजायज माइनिंग रोकण दे आई टीम दे नाल इन्हां दे वल्लों बदसलूकी की गई सी सरकारी काम च रुकावट पाई गई सी नाजायज माइनिंग शिकायत की जांच करन दरअसल एक टीम पहुंची सी भोआ के करीबियां के नाते आज क्रशर साइट है आ मौजूद है। मौके से एक पोकलेन मशीन टिप्पर भी रिकवर किया गया।